हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्वागत है आपका अपनी एंशिएंट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर सीरीज में। सो आज हम साउथ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर कवर करने वाले हैं। सो कवर करने से पहले हम देखेंगे प्रीफेस, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, कि कैसे हम अपनी टॉपिक्स को लेकर चलने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे टेम्पल्स इवोल्यूशन, यानी साउथ इंडिया में टेम्पल्स का इवोल्यूशन कैसे हो रहा था, जिसे हम स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री एंड स्टेज फोर में कवर करने वाले हैं। और फिर देखेंगे कि हाउ दिस इवोल्यूशन गेव राइज टू दी द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। उसके बाद हम सब स्टाइल ऑफ द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें विजयनगर स्टाइल एंड नायका स्टाइल देखेंगे। उसके बाद हम अदर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखेंगे, जिसमें विशारा एंड होयशाला टेम्पल आर्किटेक्चर कवर करेंगे। इस तरीके से हमारा साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कम्प्लीटली कवर होगा। इसके बाद कुछ पार्ट स्कल्पचर के बचेंगे, जिसे हम अपने आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। सो अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पर। सो द टेम्पल आर्ट इन साउथ इंडिया बिगेन अंडर पल्लवा रूलर्स। दे इनिशिएटेड रोकट आर्किटेक्चर विच लेटर डेवलप्ड इनटू द्राविडन स्टाइल ऑफ टेम्पल। सो वन मोर थिंग इज दैट इन साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में हम डायनेस्टीज के हिसाब से टेम्पल का आर्किटेक्चर कवर करते हैं। जैसे पल्लवा रूलर्स के अंडर कैसे टेम्पल्स इवोल्व हो रहे थे एंड हाउ दीज इवोल्यूशन केम गिव राइज टू द द्रविड़ा स्टाइल एंड द्रविड़ा स्टाइल के टाइम पर चोला वदर रूलर्स। इसी तरीके से हम विजयनगर एम्पायर में टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसे हुआ एंड देन आफ्टर दैट नायका रूलर्स के अंडर टेम्पल का आर्किटेक्चर कैसे हुआ। देन इसी तरीके से हम चालुक्यास के अंडर एंड होयसलास के अंडर, इस तरीके से हम डायनेस्टीज के हिसाब से टेम्पल आर्किटेक्चर को कवर करते हैं। सो अब हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल इन साउथ इंडिया। सो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, पल्लवास के टाइम पर टेम्पल का आर्किटेक्चर होना स्टार्ट हो गया था। सो हम देखते हैं कि पल्लवा डायनेस्टी के अंदर स्टेज वन में महेंद्रवर्मन वॉज द रूलर एट दैट टाइम एंड इन दिस स्टेज रोकट केव आर्किटेक्चर वॉज क्रिएटेड एंड इन साइड विच द आइडल ऑफ डिटीज वर प्लेस्ड फॉर वर्शिप एंड दिस स्ट्रक्चर वर नोन एज मंडप। जैसे कि यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, दिस इज द रोक एंड उस रोक को कट कर दिया जाता था एंड फॉर द स्पेस बनाया जाता था और उस प्लेस पर आइडल ऑफ डिटीज रखी जाती थी फॉर वर्शिप एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मंडप। सो मंडप वॉज द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल इन साउथ इंडिया। सो अब हम आते हैं स्टेज टू इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल इन साउथ इंडिया। सो इन दिस स्टेज नरसिंह वर्मन वॉज द रूलर अंडर पल्लवा डायनेस्टी। सो और एक वन मोर थिंग इज दैट चार स्टेज में जो इवोल्यूशन टेम्पल में हो रहे थे वो पल्लवा डायनेस्टी के अंदर ही हो रहे थे, उनके ही डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स के अंदर। तो अब हम इस स्टेज टू में हम देखते हैं कि नरसिंह वर्मन वर द रूलर्स अंडर पल्लवा डायनेस्टी एट दिस स्टेज। सो इन दिस सेकेंड स्टेज द स्ट्रक्चर फ्रॉम फर्स्ट स्टेज वॉज रिफाइंड and cut from outside to give it proper shape. You can see in the diagram, हमने first stage में देखा था, rock cut cave architecture was there. And उन्हीं rock cut architecture को अब refine किया जा रहा था in stage 2 में. और उन्हें proper shape दी जा रही थी. और one more thing is that, हम stage 1 में कोई example नहीं देखते हैं. क्योंकि उन्हीं structure को refine किया जा रहा था और स्टेज टू में उन्हें नाम दिया गया है, इसलिए हम उनके एग्जाम्पल स्टेज टू में देखते हैं, जबकि हम स्टेज वन में कोई एग्जाम्पल नहीं देखते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर केम टू बी नोन एज रथ, एग्जाम्पल पांडवा रथ ऑफ महाबलीपुरम इन तमिलनाडु। द बिगेस्ट रथ डेडिकेटेड टू युधिष्ठिर इज नोन एज धर्मराज रथ एंड द स्मॉलेस्ट डेडिकेटेड टू द्रौपदी। एंड वन मोर थिंग इज इन महाबलीपुरम यू विल सी अर्जुना पिनेंस इज ऑल्सो डिपेक्टेड इन स्कल्पचर फॉर्म। सो नाउ यू विल सी द पंचरथास और पांडव रथ ऑफ महाबलीपुरम। सो अगर हम स्टेज वन, यहाँ पे स्टेज वन एंड स्टेज टू को कंपेयर करते हैं, तो स्टेज वन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई रोक रही होगी और उस रोक को कट कर दिया जाता था और फिर उसमें आइडल रखी जाती थी। तो इसी तरीके से जो ये रथाज हैं, ये स्टेज वन में मंडपाज हुआ करते होंगे और इन मंडपाज को स्टेज टू आते आते रिफाइन किया गया और उन्हें एक प्रॉपर शेप दी गई और नाउ दीज मंडपाज वर डिवाइडेड इनटू सेपरेट
रथास। तो ये सेपरेट स्टेज टू में इन्हें सेपरेट रथास में डिवाइड कर दिया गया। और आप देखोगे कि दीज रथास डेकोरेटेड बाय इंट्रिकेट स्कल्पचर्स, आपको यहाँ पर इंट्रिकेट स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं। सो दैट्स हाउ वी सी द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल इन साउथ इंडिया। सो अब हम थोड़ा सा नेमिंग पे ध्यान दे लेते हैं। जैसे ये द्रौपदी रथ है, ये अर्जुन रथ है, एंड दिस इज भीम रथ, एंड दिस इज युधिष्ठिर रथ यानी कि भीमराज रथ, एंड दिस इज नकुल सहदेव रथ। दिस इज सो नाउ यू विल सी धर्मराज रथ और युधिष्ठिर रथ। सो हम क्यों देख रहे हैं इसे दोबारा, क्योंकि आप पाओगे जब हम द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, टेंपल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि उनके जो विमान होंगे वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में मिलेंगे आपको। तो यहीं से वो फीचर्स इंस्पायर हुए होंगे द्राविडियन स्टाइल के। तो आप देखोगे जो धर्मराज रथ में भी आप इनके जो विमान हैं वो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है। सो यहीं से इंस्पायर होकर आपको द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल भी मिलेंगे। सो हम कह सकते हैं द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज अ सक्सेसर ऑफ धर्मराज रथ। सो अगेन यू इन दिस इमेज यू कैन सी अर्जुना पिनेंस, जो कि हमने स्टेज टू में अर्जुना पिनेंस की बात की है। सो आप देखोगे यहाँ पे अ प्रोमिनेंस टेम्पल आपको दिखाया गया है, जो कि उभरा हुआ टेम्पल है। इस रोक में दो रोक्स हैं, यहाँ पे स्कल्पचर बनाए गए हैं, और आप यहाँ पे देखोगे टेम्पल है, और टेम्पल के चारों ओर वर्शिपर और एस्केटिक्स दिखाए गए हैं उनके टेम्पल के चारों ओर। और ठीक ऊपर टेम्पल के आप देखोगे दिस इमेज, दिस स्कल्पचर, कुछ बोलते हैं ये भागीरथ है, और कुछ उन्हें इन्हें अर्जुना पिनेंस कहा है। सो अर्जुना पिनेंस की बात करें तो अर्जुना का पिनेंस क्यों हो रहा है कि टू अर्जुना पिनेंस वॉज टू ऑब्टेन द पशुपता वेपन फ्रॉम शिवा। शिवा से पशुपता वेपन ऑब्टेन करने के लिए अर्जुना पिनेंस कर रहे हैं, यानी पश्चाताप कर रहे हैं। वेरेज अगर भागीरथ जिन्होंने इन्हें भागीरथ आइडेंटिफाई किया है, तो भागीरथ की बात करें तो भागीरथ प्रेड टू हैव गंगा ब्रोट टू अर्थ। भागीरथ भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं कि गंगा को जमीन पर लाने के लिए। सो इसी तरह, और यहाँ पे आप देखोगे इस वाले स्कल्पचर में दिस इज शिवा का स्कल्पचर है, जो वृद्धा मुद्रा में है, जो उनका आप लेफ्ट हैंड देखोगे, दिस लेफ्ट हैंड, ये वृद्धा मुद्रा है। और वृद्धा मुद्रा मतलब गिविंग विशिंग टू हिज बिलीवर, तो अपनी बिलीवर की विश को पूरा कर रहे हैं। सो और जो आप ये छोटा सा ड्वार्फ स्कल्पचर देख रहे हैं जो शिवा के हैंड के नीचे, सो इसे डिपिक्ट किया गया है एज ए पशुपता वेपन। सो इसी तरीके से हम ये अर्जुना पिनेंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है स्टेज टू में। सो अब हम आते हैं स्टेज थ्री इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल। एट दिस टाइम राज सिंहवर्मन वर दी रूलर अंडर पल्लवा डायनेस्टी, एंड इन दिस स्टेज रियल स्ट्रक्चर टेम्पल वॉज क्रिएटेड। यहाँ पे रियल स्ट्रक्चर टेम्पल मीन्स अब टेम्पल्स की लोकेशन चूज की जाने लगी, और उस मटेरियल कलेक्ट कर उस लोकेशन तक पहुँचाया जाता था, तब टेम्पल को क्रिएट किया जाता था, और यहाँ पे टेम्पल्स के ग्राउंड प्लान भी बनने लगे थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रियल स्ट्रक्चर टेम्पल वॉज क्रिएटेड एट दिस टाइम। जबकि हम अगर स्टेज वन एंड स्टेज टू में अगर हम देखते हैं टेम्पल्स वर क्रिएटेड जहाँ पर केव्स होती थी, वहीं पर ही मंडपास और रथा को क्रिएट किया गया था। And the speciality of this temple was presence of pyramidal tower known as Viman, जिन्हें विमान कहा जाने लगा। And this stage gave rise to Dravida style of temple. For example, Shore temple at Mahabalipuram. And another example is Kailashnath temple at Kanchi. So now you can see, this is Shore temple and this is Kailashnath temple at Kanchi in Chennai. So अब हम आते हैं stage 4 evolution of temple. During this period, Nandivarman were the ruler under Pallava dynasty. In this stage, the Dravida style of temple was popularized in far-flung areas of South India. So, हम देखते हैं कि stage 4 में as such कोई big construction नहीं होती है stage 3 की तरह। जैसे stage 3 में हम Shore temple as a big temple देखते हैं, लेकिन stage 4 में हम ऐसी कोई big construction नहीं देखते हैं।
जबकि जो स्टेज थ्री के जो थीम पे जो टेम्पल्स बनाए जा रहे थे वही हम देखते हैं स्टेज फोर में पॉपुलराइज हो रही थी इन अ स्मॉलर इन साइज. स्मॉलर इन साइज मतलब गोइंग इन अ वन विलेज क्रिएटिंग वन स्मॉल टेम्पल, गोइंग अनदर अनदर विलेज गोइंग क्रिएटिंग अनदर टेम्पल. सो इस तरीके से स्मॉल टेम्पल्स बनाए जा रहे थे स्टेज थ्री की ही थीम पर, जो कि आगे चलकर द्राविड़ा स्टाइल का रूप ले लेगी. सो अब हम आते हैं द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पर. सो पल्लवा डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद टेम्पल आर्किटेक्चर एक्वायर्ड अ न्यू स्टाइल अंडर चोला रूलर्स, यानी कि स्टेज थ्री अंडर पल्लवा रूलर्स में जो इवोल्यूशन टेम्पल में हो रहे थे अब उन इवोल्यूशन में वेरिएशन की जा रही थी बाय द चोला रूलर्स, और उन वेरिएशन के बाद जो स्टाइल डेवलप होता है वो कहलाता है द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ द्राविड़ा स्टाइल, और इन फीचर्स को कवर करने के बाद हम इन फीचर्स को डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे. सो द फर्स्ट फीचर इज स्पेशलिटी ऑफ द्राविड़ा टेम्पल इज प्रेजेंस ऑफ पिरामिडल टावर नोन एज विमान, ऑन द टॉप ऑफ विच ऑक्टागोनल क्यूपोला फिनियल इज प्लेस्ड, एंड वी सी प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री वॉल वॉज देयर इन द्राविड़ा स्टाइल. फ्रॉम ऑल द साइड्स वी मे फाइंड गेटवेज विच आर नोन एज गोपुराम, and big vimans are created on gopurams. We see presence of water tank called as pushkaram is a necessary feature of Dravida. Inside the premise of temple are the mandap also there, which is meant for placing dhwaj of temple or sculpture of nandi. So the next feature is nart mandap. Yahan pe hame nart mandap bhi dekhne ko milte hain, which is meant for classical performance. परफॉर्मेंसेस, यहाँ पे क्लासिकल परफॉर्मेंस मीन्स क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक यहाँ इन टेम्पल्स में के जो नर्त मंडप है वहाँ पर होते रहते हैं. एंड गर्भगृह इन द्राविड़ा इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो पैसेज नोन एज अंतराल, यानी कि मंडप और गर्भगृह के बीच में अंतराल एक नैरो पैसेज है वो हमें देखने को इन टेम्पल्स में मिलता है. ऑन द एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह जनरली यू विल सी स्कल्पचर ऑफ द्वारपाल, एंड इन नगरा स्टाइल में जब हम देखते हैं एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह इट वुड बी रिवर गॉडेस गंगा यमुना और इमेज ऑफ मिथुना. यहाँ पे इमेज ऑफ मिथुना का मतलब एम्ब्रेसिंग कपल. एंड यू विल सी इन द्राविड़ा स्टाइल इन सम ऑफ द द्राविड़ा टेम्पल पंचायतन स्टाइल इज ऑल्सो फॉलोड. यहाँ पे हमें ध्यान देना है वर्ड पर, इन सम वर्ड पर ध्यान देना है, यानी कि सभी द्राविड़ा स्टाइल के टेम्पल में फॉलो नहीं होता था पंचायतन स्टाइल, ओनली इन सम ऑफ द द्राविड़ा टेम्पल्स में ये फॉलो होता था. और अब हम डायग्राम में देखेंगे कि पंचायतन स्टाइल का मतलब क्या है, यानी कि जो वन मेन गॉड की जो श्राइन्स होती थी वो अकम्पनीड विद फोर सब्सिडरी गॉड, मतलब वन मेन गॉड की जो श्राइन है वो बीच में होती थी इन द मिडल, एंड दिस श्राइन इज अकम्पनीड विद फोर गॉड्स श्राइन जो उनके जो सब्सिडरी होते थे. जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें शिवा, शिवा के जो सब्सिडरी गॉड होंगे वो होंगे पार्वती, गणेश, नंदी, कार्तिकेय. सो इस तरीके से मेन मिडल में मेन गॉड होंगे और उनके जो चारों ओर जो होंगे उनके सब्सिडरी गॉड की श्राइन आपको देखने को मिलेगी. एंड द नेक्स्ट इज जो ग्राउंड, मेजोरिटी ऑफ द टेम्पल्स इन द्राविड़ा स्टाइल आप देखोगे क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान इनके टेम्पल्स का होता था. तो यहाँ भी हमें मेजोरिटी वर्ड पर ध्यान देना है, यानी कि मेजोरिटी आपको क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान देखने को मिलेगा. अब हम आते हैं कि क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान होता क्या है. अगर आप किसी मंदिर को यानी कि किसी भी टेम्पल को ऊपर से देखते हैं तो आपको ऐसा ग्राउंड प्लान देखने को मिलेगा, दिस ग्राउंड प्लान जो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. सो एग्जाम्पल इज बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजोर. सो अब हमने जो भी फीचर्स कवर किए हैं उन्हें हम डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं. सो दिस इज विमान एंड दिस इज गर्भगृह, जहाँ पे आइडल ऑफ डिटीज रखी जाती थी उन्हें हम गर्भगृह बोलते हैं, और जो नैरो पैसेज वे है बिटवीन मंडप टू गर्भगृह को जो जोड़ता है दिस इज कॉल्ड अंतराल. एंड दिस स्पेस, हम इस स्पेस की बात कर रहे हैं, दिस इज दिस स्पेस. एंड जो ये डॉट्स हैं ये डिपिक्ट कर रही है स्कल्पचर ऑफ द्वारपाल, यानी कि जो इन फ्रंट ऑफ द गर्भगृह हम देखते हैं द्वारपाल के स्कल्पचर हमें देखने को मिलते हैं. दिस इज स्कल्पचर ऑफ द्वारपाल जो प्रोटेक्शन करते हैं गर्भगृह की. And this is mandap. This space, this whole space is called mandap. And in front of the mandap, we see in premise of the temple, कि हमें अर्ध मंडप भी इन टेम्पल्स में देखने को मिलते हैं जो कि ध्वज और नंदी को प्लेस करने के लिए होते थे.
एंड दिस इज नर्थ मंडप, एंड एंट्रेंस में देखेंगे आप गोपुराम, जो गेटवेज जो इनके होते थे उन्हें गोपुराम बोलते थे, एंड आउटसाइड द टेम्पल यू विल सी अ वाटर टैंक, जिसे हम पुष्करम भी बोलते हैं। एंड अगर हम अलग से विमान को पढ़ते हैं तो आप देखोगे जो इनके विमान की जो शेप होती थी गोइंग अपवर्ड इन अ इंक्लाइंड मैनर, स्ट्रेट गोइंग अपवर्ड इन इंक्लाइंड मैनर, और जो इन विमान की जो कुछ शेप होती थी वो कुछ इस प्रकार से होती थी, जैसे यू कैन सी दिस, एंड इस तरीके से ये नीचे भी आती थी। तो आप देख सकते हो स्टेप्ड पिरामिडिकल स्ट्रक्चर इनके विमान की होती थी इन अ इंक्लाइंड मैनर। और इन विमान के ऊपर आप देखोगे कि ये ऑक्टागोनल क्यूपोला भी होता है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये तो सर्कल है, ऑक्टागोनल कैसे है, तो हम इन्हें इसे इमेज के थ्रू भी देखेंगे। सो पहले हम देखते हैं, दिस इज अनदर इमेज वेर यू कैन सी जो ये ऑक्टेगोनल क्यूपोला है, इसे शिखरा के नाम से जाना जाता है द्राविडियन स्टाइल में, जबकि हम नगरा स्टाइल में जो नगरा स्टाइल के जो विमान होते थे उन्हें शिखर बोलते थे, बट इन द्राविड स्टाइल हमें जो ये ऑक्टेगोनल क्यूपोला है यानी कि जो ये फिनियल है इसे हम शिखर बोलते हैं। सो दिस इज विमान, यू कैन सी दिस इज गर्भगृह, एंड इन फ्रंट ऑफ दिस इज मंडप, एंड यहाँ पे गोपुरम। अब हम देखेंगे कि ऑक्टागोनल क्यूपोला कैसे है। सो आप देखोगे जो इस इमेज में कि ये ऑक्टागोनल शेप में है, नीचे की तरफ थोड़ा सा ये ऑक्टागोनल शेप में है, जैसे कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर ये पूरा क्यूपोला रखा गया है, और कुछ इस शेप में हमको ये देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑक्टागोनल क्यूपोला। सो हियर यू कैन सी द बृहदेश्वरा टेम्पल, एंड हेयर यू कैन सी दिस इज नंदी मंडप, जिसे अर्ध मंडप भी बोल सकते हैं, और आगे आप देखोगे दिस इज ध्वज, एंड दिस इज एरियल व्यू ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल। सो हेयर इज नंदी मंडप, दिस इज नंदी मंडप, एंड यहाँ पे आप देखोगे मंडप, एंड यहाँ आप देखोगे दीज आर द गोपुरम्स ऑफ द बृहदेश्वरा टेम्पल। सो इस तरीके से हमारा द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को हम देखते हैं। सो आज हम अपनी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी के जो बचे पार्ट्स हैं, सब स्टाइल ऑफ द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर एंड अदर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट टू, एंड विद दिस वी एंड दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज कमेंट ताकि मैं भी आपके रिस्पॉन्स जान पाऊँ।